रायबरेली में नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे आज पहुंचे। उन्होंने पार्टी का विस्तार करते हुए विजय द्विवेदी को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया। चंद्रभूषण पांडे ने कांग्रेस को समर्थन देने के साथ ही कई मुद्दों पर कांग्रेस की नीतियों का समर्थन भी किया। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर, बेरोजगारों के मुद्दे पर और पुरानी पेंशन के मुद्दे पर भी सरकार के रुख को स्पष्ट करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने अपने मुख्य मुद्दे गरीबी हटाओ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हर जाति में गरीब लोग हैं, उनकी गरीबी को मिटाना सरकार की जिम्मेदारी है, उसके लिए वो नीतियां बनाए। सारे गरीब लोगों को 10,000 रुपया तत्काल उनको देगी ताकि वो गरीबी से मुक्त हो जाए। और जब गरीबी से मुक्त हो जाएंगे तो दूसरा में हम लोग का मुद्दा है कि हर नागरिकों को जीवन स्तर हम लोग ऊँचा करें, तो जीवन स्तर ऊँचा करने के बहुत सारे हमारे कार्यक्रम हैं। तीसरा ये है कि हर 20 गाँव के बीच में एक ज्ञान विज्ञान और तकनीकी गांव की स्थापना का हम लोग का कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से हमारा ये चाहते हैं कि जो गाँव के युवक हैं वो अपना शहर में किसी भी अपने प्रतिभा को या अपने व्यक्तित्व को उभारने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, प्रशिक्षण लेके शहर न जाना पड़े, वहीं उनको अपने गांव के पास मिल जाए ताकि वो सर्वांगीण विकास कर सकें, वहीं रोजगार मिल सके और उनको शहर गांव छोड़कर शहर न जाना पड़े। और एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि गाँव सरकार को लागू करने के लिए न केवल गाँव पंचायतों को अधिकार दिलाना चाहते हैं बल्कि गांव के लोगों को न्याय की भी व्यवस्था दिलाना चाहते हैं और सुरक्षा की व्यवस्था भी हम गांव वालों को दिलाना चाहते हैं ताकि हर गांव के लोग अपने गांव को स्वर्ग बनाने में काम करें। हम लोग का कहना है कि नैतिक पार्टी संवैधानिक नैतिकता की बात करती है, संविधान के बारे में लोग जानते नहीं हैं, तो हम लोगों ने नारा दिया है कि श्री राम भी संविधान भी, ताकि जो समाज में विकृतियाँ फैल रही हैं जब तक राम का आदर्श हम फिर लोगों को युवकों को नहीं बताएंगे तब तक समाज या परिवार की विकृति खत्म नहीं हुई, परिवार टूट रहे हैं, तो राम के आदर्शों से हम समाज में उनमें आदर्श पैदा करके परिवार परिवार में, और संविधान बताकर हम बताएंगे कि संविधान एक संपूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, तो लोग संविधान को जानेंगे तो अपने लिए संविधान के लिए संघर्ष करेंगे और संविधान उनको वो नैतिक संवैधानिक नैतिकता, हमारी नैतिक पार्टी कहती है कि संवैधानिक नैतिकता लागू करेंगे तो संवैधानिक नैतिकता लागू होगी। तो हमारा नारा है कि गाँव 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 घर घर राम श्री राम और हाथ में संविधान, और हर गांव में हम लोग एक संविधान चौराहा स्थापित करना चाहते हैं। यही चाहते हैं कि घर घर में राम और हाथ में संविधान, तो राम हमारे आदर्श हैं और संविधान हमारा अधिकार है, इसी मुद्दे को लेकर हम लोग जगह जगह जाएँ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।